दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जिंदगी में कामयाब या बड़ा काम करने के लिए जब भी हम कुछ सोचते हैं, ये वो सोच या तो दूसरों की तरफ से हमारे में डाली जाती है या तो कभी कभी हम सोच लेते हैं। और दोस्तों वही सोच का जो निर्णायक डिसीजन होता है वही जिंदगी में आपके लिए सफलता और असफलता के दरवाजे खोलता है। चलिए इस कहानी को जरूर सुनिएगा क्योंकि हो सकता है कि मैं आपकी सोच थोड़ा सा बदल दूं। दोस्तों एक बार की बात है कि मैदान में कुछ लड़के आपस में बहस कर रहे होते हैं कि मैं अच्छा हूं। तभी उसके पास एक बुजुर्ग आदमी निकलता है और वो उन बच्चों को रोक के बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि कौन तुम में से सबसे अच्छा है। वो बोलता है कि तुम्हें जो सामने खंभा दिखाई दे रहा है उस खंभे पर जो ऊपर चढ़ जाएगा वो सबसे निपुण है, वही सबसे अच्छा है। तो सभी बच्चे एक एक करके वो खंभे पर चढ़ते हैं क्योंकि वो खंभा दोस्तों बहुत फिसलन वाला होता है, बहुत चिकना खंभा होता है, तो कोई भी बच्चा उस पर चढ़ नहीं पाता है। अच्छा, ये नजारा देख के उसके आसपास बहुत सारी भीड़ लग जाती है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और लोग वहां से चलाने लगते हैं कि ये तो बहुत असंभव है, यहां तो कोई चढ़ ही नहीं पाएगा, ये खंभे में तो कोई ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा। तो कुछ बच्चे ये सुनकर उस खंभे में चढ़ना ही छोड़ देते हैं, तो वो ये काम करना ही छोड़ देते हैं, वो उस पर चढ़ना ही छोड़ देते हैं, पहले से ही पीछे हट जाते हैं। और कुछ बच्चे दो तीन बार कोशिश करते हैं पर उसके बाद वो भी पीछे हट जाते हैं, और ऐसे करते करते सारे बच्चे पीछे हट जाते हैं। सिर्फ एक बच्चा होता है जो बार बार प्रयास करता रहता है और करने के बाद वो आखिरी में उस खंभे के ऊपर चढ़ जाता है। जब वो खंभे पे ऊपर चढ़ जाता है और जब वो नीचे उतरता है तो सभी बच्चे उसको घेर लेते हैं और पूछते हैं कि भाई तुमने ये किया कैसे, और बारी बारी उससे पूछते हैं। वो बच्चा कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी दोस्तों वो बुजुर्ग उनके पास आता है, बोलता है कि तुम इस बच्चे से क्या पूछ रहे हो। बोले कि यही कि तुम इस खंभे में चढ़े कैसे, हम तो नहीं चढ़ पाए। तो वो बुजुर्ग बोलता है कि ये बच्चा बहरा है, ये तुमको कभी भी कोई बातों का जवाब नहीं देगा। दोस्तों इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जिंदगी में अगर आपने कोई फैसला लिया है तो अगर आपको लगता है कि वो फैसला आपके लिए सही है और आपकी सोच आपको लगता है कि आपके कामयाब होने के लिए आपको मदद करेगी, तो आपको किसी और लोगों से राय नहीं लेनी है। कहीं पर आपको अगर कोई कुछ बोलता है, अगर दोस्तों कहीं कुछ लोग आपको ये बात बोलते हैं कि ये काम असंभव है, ये काम नेगेटिव है, उसी तरह जैसे गांव के लोग उस खंभे को बोलते हैं कि चिकना है, असंभव है और कुछ लोग उस खंभे पर चलते नहीं, वैसे ही हम अपनी जिंदगी में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम करने से पहले ही खत्म कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है वो लोगों ने जो कहते हैं कि इस काम में असंभव, इस काम में कुछ नहीं रखा, तो हम उसको करते नहीं है। सबसे पहले तो ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रखिए और दूसरा अपनी सोच पर यकीन रखिए। दोस्तों कहीं पर भी आपको आप सिर्फ अपने काम पर फोकस रखिए, और दोस्तों अगर आपको कामयाब बनना है तो उस बच्चे की तरह धैर्य हो जाइए, बस अपने काम पर फोकस रखिए और बस करते जाइए जब तक कि आप सफल ना हो जाए। तो इसे टेलीकॉम और स्मार्ट डेवलपर इसी तरह आपको सपोर्ट करता रहेगा और आपके सपनों के साथ में है। एक ना एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे और उस दिन भी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और इसी तरह हर दिन आपसे मिलता रहूंगा और आपको मोटिवेट करने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नई नई कहानियां लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स है जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। And also 9001 and 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.